माउंट आबू से सौंपा है। हम लोग करनाल, हरियाणा, हिमाचल, उत्तरांचल, चंडीगढ़, हर स्टेट के अंदर बाबा का प्रचार लगातार करते आ रहे हैं। कोई भी प्राणी हमारी इस संस्था का, संस्था के प्रचार की पत्रिका हमारे कर्म ब्रांचेस से ले सकते हैं, जो कोई जहां भी हमारी ब्रांचेस है। हम चाह रहे हैं कि बाबा का प्रचार हर आदमी करे और उसको हर जन जन तक पहुंचाए। यही हमने पीड़ा उठाया है, ये करते रहेंगे। ओम शांति। किरण दीदी, गीता दीदी, गुप्ता जी, अन्य सुंदर आत्माएं जो यहाँ बैठी हैं, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ 2 मिनट दिए गए हैं, कि इतने सुंदर माहौल में, वैसे तो मेरी बातें आपको बहुत सुंदर नहीं लग रही होगी, फिर भी इस अध्यात्म से, इस संस्था से जुड़ने के बाद जो एक एक्सपीरियंस होता है, जो अपने आप में एक फीलिंग होती है, उस चीज़ के बारे में बताना भी ज़रूरी होता है। हर मनुष्य को अपनी बात बतानी चाहिए। मैं बहुत सी संस्थाओं में 20 साल से, कभी पिता के साथ, कभी माता के साथ, कभी, क्योंकि सबके अपने, भारत के अंदर देवताओं का देश है ये, सब घर में कुछ न कुछ भगवान से योग जुड़ा होता है, परंतु यहाँ इतने संस्थाएं आ गई है, उन सब में जाकर के मैं साइंस का स्टूडेंट होने के नाते एक एनालिसिस करना चाहता था, क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि पानी पीजिए छान के और गुरु बनाइए जान के। गुरु उसके अंदर गया, राधा स्वामियों के यहाँ गया, पांडुरंग शास्त्री जी के यहाँ गया, धन धन सतगुरु वालों के यहाँ गया, और भी कई संस्थाएं थी जिनके यहाँ गया, और लास्ट में बीच बीच में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जाने का भी मुझे मौका मिला माउंट आबू में। वहाँ जाकर के जो पहली बार, मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गया था, एक टूरिस्ट बन के गया था अपनी फैमिली के साथ, और वहाँ जाकर के जो मैंने देखा, वो स्वर्ग समान जो मुझे आभास हुआ अपनी फैमिली के साथ, वो सबसे बढ़िया चीज़ ये थी कि वहाँ किसी को क्रोध नहीं आता। सभी बहनें और भाई जिस भाव के साथ वहाँ बातें करते हैं, मीठा और धीरे से जो बोलते हैं, वो सबको प्रभावित करता है। पहली चीज़ जो मुझे प्रभावित करने वाली थी, वो उनका स्वभाव और उनका व्यवहार थी। उससे मुझे ये आभास हुआ कि स्वर्ग यही है, स्वर्ग कहीं और नहीं है, सिर्फ इसको देखने की ज़रूरत है कि आप किस नज़रिए से कैसे देखते हैं। सबसे पहला उसमें एग्जाम्पल मैंने देखा कि जो छोटे बच्चे मेरे साथ भी गए हुए थे, मेरे बच्चे, वहाँ आम लगे हुए थे, फ्रूट लगे हुए थे, उनको जब तोड़ने के लिए जाते थे तो वह गुस्सा नहीं किया जाता था, उनको समझाया जाता था, उसके लिए अलग भाई बहनों की ड्यूटी लगी हुई थी, वो इतने प्यार से उनको समझाते थे कि उनको खेल के अंदर रुचि लगा करके हम अपने उसमें ध्यान में मगन हो जाते थे, हमें किसी तरीके की चिंता नहीं होती थी, ना किसी तरीके का गुस्सा आता था। दूसरी तीसरी बार जो गया, तो मैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से गया कि इसके अंदर क्या खासियत है, मुझे क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो उसके अंदर मुझे जो सबसे बड़ी बात दिखाई दी, वो ये दिखाई दी कि इसके अंदर किस तरीके से जोत लगानी है, किस तरीके से ताली बजानी है, किस तरीके से धूप जलानी है, पूरब में बैठ करके मुंह तपस्या करनी है, पश्चिम में बैठना है या दक्षिण में मुंह नहीं करना है, भगवान की मूर्ति किस साइड में लगानी है, किस कोने पर लगानी है, इस तरीके की कोई बात वहाँ नहीं सिखाई जाती। सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा उस परमात्मा से, परमपिता के जिसका मैं अंश हूँ, किस तरीके से मैं उसके साथ प्यार से मिल सकता हूँ, ये सबसे बड़ी बात थी। जो उसके बाद मुझे बात लगी एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए अध्यात्म के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, भगवान, कर्म और फल। भगवान के बारे में सब थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जानते हैं या बता देते हैं, फल के बारे में भी सब जानते हैं कि बुरा करोगे तो अच्छा नहीं मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। तीसरी चीज आती है कर्म की। कर्म थ्योरी पे संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ भाइयों से भी मिला, गीता दीदी से भी मैंने क्वेश्चन किए, उसके अंदर अभी सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं हुई है, पर मुझे लगता है कि जैसे वहाँ भाइयों ने बताया कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ करके आप अपने कर्म शुद्ध करके, जिससे आपकी आत्मा को ये लगे कि हाँ मैं ठीक कराऊँ, वो जरूर करते रहिए। चौथी चीज जो मुझे वहां पे लगी, ब्रह्मा बाबा ने, पहले मैं सोचता था कि हम 50 साल 60 साल के हो गए, काफी लोग सोचते होंगे कि अब जो करना था, अब तो जीवन थोड़ा ही रह गया, कोई फायदा नहीं है, जो गुजर गया ठीक है, आगे भी गुजर जाएगी, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता लाइफ में,
उसके अंदर मुझे ये आभास हुआ कि ब्रह्मा बाबा ने दादा लेखराज जी जो एक बहुत बड़े व्यापारी जौहरी थे अपना सब कुछ छोड़ के 60 साल की उम्र में उनको लेकर के 93 साल के जब उन्होंने शरीर को छोड़ा उस समय तक लगातार इस चीज को इतना बढ़ाया कि आज हम सब इसके अंदर एक जगह बैठ करके भी झूमते हैं और वो चीज हमें ध्यान आती है कि एज फैक्टर कोई नहीं है। पांचवी चीज जो मुझे लगी नारी शक्ति की, इस संस्था के अंदर 8,500 के करीब इनके उसमें समर्पित बहने भाई हैं, 1,500 के करीब इनके सेंटर हैं, उनके अंदर 10,00,000 भाई बहन इस अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। उन 10,00,000 को 137 देशों के अंदर फैलाने में 200 से ऊपर ज्यादा कंट्री है इस दुनिया के अंदर और 6,000 करोड़ के करीब 600 करोड़ के करीब जनसंख्या है उसमें से 10,00,000 इससे जुड़े हुए हैं और उनको जो फैलाने वाला सिस्टम है मैनेजमेंट, देखिए हर नारी अपने घर की एक मैनेजर है, हर पिता अपने घर का मैनेजर है, पर नारी के ऊपर इतना विश्वास नहीं किया जाता था मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ दादाजी ने 4 दादियों को अपने यहाँ से इसका ट्रस्टी बनाया और सारा कुछ उनको सौंप करके उन 4 दादियों ने 137 कंट्रीज के अंदर इस संस्था को फैलाया, इस योग को फैलाया, इस बात को फैलाया। ये नारी शक्ति के लिए बहुत गर्व की बात है कि आप किसी भी चीज पे कमजोर नहीं, आप इसको संभाल सकती हैं। जो इसके बाद मुझे आज के टाइम में जो विश्वविद्यालय ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू बनाया गया है जो उसका मिशन है, वैसे मैं 1 मिनट ज्यादा ले गया आपका, जरूरी है वो बताना कि साइंस के साथ अध्ययन और इस विश्वविद्यालय ने साइंस को आज के समय में, मैं इस पार्क में गया था वहां तो 600 साइंटिस्ट आए हुए थे, वो 600 साइंटिस्ट अब रिसर्च कर रहे हैं कि आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े योग के द्वारा। आप इसमें मैं एक बात करना चाहूंगा कि जो यहाँ भाइयों ने, लोग बात कहते हैं कि आजकल टीवी ने ये फैला दिया, गंद फैला दिया, अखबार ने फैला दिया, ठीक है वो फैला दिया, आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये आपकी अपनी सोच है। अभी इन्होंने जो गाने गाए आपने टीवी पे सुने होंगे, उनका भाव कुछ और होता था, जब यही गाने यहाँ पे दूसरे भाव से गाए गए तो आप नाचने लगे वहां सोच करके, तो ये आपकी सोच है। टीवी के ऊपर कौन सा चैनल आपको लगाना है, दूरदर्शन से लगाइए, उसको छोड़ दीजिए, बच्चों को वो चैनल कम लगाने दीजिए तो अपने आप आपको भाव आएगा। लास्ट में मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, इस संस्था के अंदर ज्यादातर 40 साल से ऊपर के युवक युवतियां जुड़ते हैं, एक स्टेज आ जाती है जिस जब मनुष्य निराश होता है, अगर यही चीज बच्चों से शुरू कर दी जाए, बीच की जनरेशन को आप छोड़ सकते हैं, यंग को, उनको एनर्जी अपनी यूज करने दीजिए इस देश को डेवलप करने के लिए, बचपने को जो 9 साल से ऊपर के बच्चे हैं और 15 साल तक उसको भी इसके अंदर जोड़ा जाए तो ये संस्था इस देश को, इस दुनिया को बदलने के लिए कामयाब होगा। ओम शांति। का अनुभव करेंगे इसलिए सभी सीधे होकर बैठ जाइए, जो जो शब्द बोले जाए वैसा वैसा अनुभव करते जाइएगा। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूं, मैं आत्मा छोटा सा सितारा ब्रह्मकुटी के मध्य चमक रहा, अब मैं आत्मा रूपी सितारा ब्रह्मकुटी के मध्य से निकलता हुआ इस आवाज की दुनिया से पार, सूरज चांद तारागण से भी पार, अपने असली घर शांति धाम जा रही हूँ। जहाँ चारों ओर शांति ही शांति है और सामने मुझ आत्मा का पिता परमात्मा भी विराजमान है, उस शांति के सागर पिता परमात्मा से
शांति की।